कि हम का नवरत्न के साथे सेल्फी ले, हमारे साथे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेल्फी लेना है, और तुम भी चश्मा लगा के पत्रकार बहुत गजब आदमी हो, तुम भी खूब उससे बतियाते हो। ये मैं समाजवादी पार्टियों के नेताओं के भरोसे मोछ नहीं ऐठता हूँ। हाँ, हमारा दाढ़ी बार देखा हुआ ना पग गला, वो हमार पोता हो, पोता के कहल जाला, पोता हाउ पोता मत समझ जाया, पोता माने लड़का। इन समाजवादी के छोटे नेताओं को बुद्धि नहीं है, ये भिड़ते हैं ग्राउंड। हो सकला जब ले विधायक बने तब ले हम मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश का। हम लोग 24 घंटा राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं कि रात में सो जाते हैं। रात में 12 बजे तक केहू का अस्पताल, केहू का दुआर, जे कहा था फोटो खिंचाओ ना फेचकुर फेंक दे एक दिन सवेरे से रात ले दौड़े में। साथ एक बार फिर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी एक बार फिर से हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा नवरत्न पर ये बहुत कटाक्ष किए थे, फिर उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इनके ऊपर कटाक्ष हुआ है। बोलिए नेताजी कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। बढ़िया हैं? हाँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक हैं। अरे समाजवादी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि जो है जो राजू तिवारी हैं दाढ़ी मोछ बढ़ा लेने से कोई नेता नहीं हो जाता, कुछ जानकारी वनकारी रखिए, काहे के लिए फालतू बोल देते हैं आप। एक बात बताएं संतोष जी, ये जो दाढ़ी रख के मैं मोछ ऐठता हूँ ना, ये मैं अपने समाज के भरोसे ऐठता हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी के भरोसे ऐठता हूँ, अरविंद राजभर जी के भरोसे ऐठता हूँ, अरुण राजभर जी के भरोसे ऐठता हूँ, ये मैं समाजवादी पार्टियों के नेताओं के भरोसे मोछ नहीं ऐठता हूँ। हाँ जी, अच्छा। अगर अगर मान लीजिए आप अगर अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी में नहीं रहते तो आप मोछ दाढ़ी नहीं रखते? हमेशा रखते हैं, बिना मोछ दाढ़ी के आप हमें पाएंगे ही नहीं। बता तो दिया, अपने पुरखा पुरनिया के भरोसे ऐठते हैं, अपने बाप दादा के भरोसे ऐठते हैं, अपने समाज के भरोसे ऐठते हैं, और अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के भरोसे मोछ ऐठते हैं, अरुण और अरविंद राजभर जी के भरोसे मोछ ऐठते हैं, और अपने तमाम जितने हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम उनके भरोसे मोछ ऐठते हैं जी। अच्छा, आपने कटाक्ष किया था कि उसको पढ़ाते नहीं है, लोग खाली हंसवाते हैं की बोलवा के, तो उन्होंने बता दिया कि भाई उसका बहुत बढ़िया हॉस्टल में जो है नाम लिखाया गया है, उसको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि उसको। हाँ नेता, लेकिन जो है कोई, उन्होंने ये भी कहा है कि कोई जन्म से नेता पैदा नहीं होता है, नेता यही धरती पर आके बन रहा है, तो हो सकता है वो ट्रेनिंग ले रहा हो नेता बनने का, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए ये अच्छा हुआ कि उसे पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात है, इतना तो खुश उनके खुशी हुई। लेकिन मैं भी राजनीति शास्त्र से MA BEd हूँ, और मैं भी जानता हूँ छात्र संघ भी जब अलाउ होता है तो ग्रेजुएशन में जी, और ये बचपन से राजनीति नहीं होती, बचपन पढ़ने लिखने और संस्कार सीखने का समय है। अगर उसे पढ़ाया जा रहा है नवरत्न को तो हमारे लिए खुशी की बात है जी। जी लेकिन अभी बचपन में उसको राजनीति नहीं करने दिया? नहीं करना चाहिए, गलत करा रहे हैं ना लोग उसको, राजनैतिक शब्द ही। और तुम भी चश्मा लगा के पत्रकार बहुत गजब आदमी हो, तुम भी खूब उससे बतियाते हो, तुम लोग भी बचो और समाजवादी पार्टी के नेता भी बचें, उससे राजनैतिक बातचीत ना करें, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित। अरे अभी बच्चा है वो, पढ़ भी रहा है, वो कर भी रहा है, कोई अपशब्द बात आज तक देखे हैं नवरत्न यादव का? अपशब्द के बोली राजनीति में, अपशब्द बोलने की किसकी मजाल है? तो अभी बच्चा है तो वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन देखे है ना उसकी भाषा क्यों नहीं, असंसदीय भाषा बोलता नहीं है। देखा हम बताओ थी, वो हमार दुश्मन ना हो, वो हमार पोता हो, पोता माने हमार दाढ़ी बार देखा हुआ ना पग गला, वो हमार पोता हो, पोता के कहल जाला, पोता हाउ पोता मत समझ जाया, पोता माने लड़का का लड़का, ओ उम्र कहा ओके, हम पढ़ाई लिखे बदे प्रेरित करब। हाँ कि जो आप जैसे नेता ना नवरत्न के यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगते हैं और वो देता नहीं है सेल्फी अपनी, हमारे मतीन नेता उनके कहन सेल्फी के लिए सेल्फी लेवा जाई हैं, और लगाते हैं लाइन भाई। अच्छा, और ये हमारे साथ है सेल्फी के लिए था, तनी देखा के लिए था, देखा दिखावत ही अभी, जरा कैमरा आगे करिए, ये हमारे साथ है सेल्फी के लिए था कैमरा में ताक के,
नहीं तो ये आप खींचो, आप लिए हैं ना, अखिलेश यादव के साथ आप सेल्फी ले रहे हैं और वो दिखा रहे हैं। सेंस देखा जाता है, पीछे दुबुक के फोटो ना आई, ये बोला के और कैमरा में ताक के हाथे में हाथ मिला के देखा। फोटो दो तरह का होला ना, फोटो माने ये पीछे खड़ा होके ऐसे हाथ दोनों पीछे बांध के जोन खिंचवा के सब गुम्मत वो नेता बनत हुआ वो समाजवादी पार्टी वालन से हम ही कहती कि हम का नवरत्न के साथ सेल्फी ले, हमारे साथ है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेल्फी लेना है। हम बताए ना, ये सेल्फी नहीं है, फोटो है। फोटो ही मान लीजिए, फोटो सेल्फी कुल एक होला ना। कैसे एक का होला? अरे फोटो सेल्फी हमारे बदे एक का है, हमारा तो लोगन बदे तमाम स्टाइल हो पत्रकार बंधु हमारे बदे कुल एक का है, हम समझी। अगर फोटो ला चाहे पीछे वाले कैमरा से ला तो फोटो आगे वाले से, ये तो उनका कैमरा मैन बेचारा, उनका कैमरा मैन खींचा होगा, हमें भेजा होगा। वो टाइम जो है हमारे मोबाइल तो गैल ना हुई उनके लगे, मोबाइल नहीं जाता एसपीजी सुरक्षा के पास। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी किसी से राजनीतिक दुश्मनी नहीं होती। इन समाजवादी के छोटे नेताओं को बुद्धि नहीं है, ये भिड़ते हैं ग्राउंड पे। बड़े नेताओं में आना जाना न्योता हकारी कभी नहीं छूटता जी। और रही बात सेल्फी लेने की, तो जब ले हमारे उम्र में नवरत्न यादव पहुंची हैं तब ले हमार बुढ़ापा रहे और फिर उन्हीं के हमारे साथ सेल्फी लेवे के पड़ी। उनकर ग्रोथ हुई तो ऐसा थोड़ा ना कि हम नीचे जाब, हाँ हमरो तो ग्रोथ हुई। हो सकला जब ले विधायक बने तब ले हम मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश का। क्या बात कर रहे हो, कहत है जब ले हो सकला वो विधायक बने तब ले हमार सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चलावत रहे और हम मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री रहे जी। आप मुख्यमंत्री चाहे उप मुख्यमंत्री रहेंगे आप सुभाषपा आज नहीं, अगर सुभाषपा की सरकार बनेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री हम आना न रहब कि विदेश से क्यों आई यहाँ। इसलिए अच्छा जहाँ तक ये राजनीतिक यात्रा जाएगी वहाँ तक इसको ले जाएंगे हम लोग। हम लोग 24 घंटा राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं कि रात में सो जाते हैं। रात में 12 बजे तक केहू का अस्पताल, केहू का दुआर, केहू का मरनी, केहू का जीएनी, ये दिखता होगा आपको। तो हमने पेशेवर नेता है, हमने फोटो खिंचा वाला नेता ना है जी। नहीं तो आरोप तो लगता है कि फोटो खिंचवाते हैं लोग, कहीं जो है कोई देहांत हो जाता है तो वहाँ पे जाते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं और उस पे जो है सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। नहीं, तो फोटो वाले नेता है। हम बता रहे हैं ना, ऐसा जो कहता होगा एक दिन हमारे साथ घुमाइए, फेचकुर फेंक देगा, फेचकुर फेंक दिए एक दिन। जब सवेरे से निकली ना, मैं कहाँ खड़ा हूँ आप बताइए, हमारे दर्शकों को आप बताइए मैं इस टाइम कहाँ खड़ा, गाजीपुर, और मैं आया कहाँ से, बनारस, दूरी हो गई ना 100 किलोमीटर। और अभी हम 2-3 जिला और करेंगे, 2-3 जिला, आप जैसे जितने पत्रकार बंधु हैं 2-3 जिला से फोन आ रहा है, 2 जिला तो और करेंगे। तो वो जे कहा था फोटो खिंचाओ ना, वो फेचकुर फेंक दे एक दिन सवेरे से राती ले दौरे में। और उसके बाद जब घर पहुंचेंगे तो दूठे नेता चाटे, क्यों का तेरही, क्यों का बरही, क्यों का छठी। हाँ ऐसा नहीं है, बहुत राजनीति करने में बड़ी मेहनत लगती है दिन रात की, तब जाके एक पहचान खड़ी होती है जी। आज अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खड़ी है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मेहनत की वजह से है जी। तो क्या ये लोकसभा में आप लड़ेंगे कि नहीं, चुनाव ही बताएं? नहीं, 2024 ना 2024 नहीं लड़ेंगे, 27 लड़ेंगे जी, 27 लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, काली कुर्ता पैजामा पहन के सफेद सफेद घूमेंगे? तो कहां से लड़ने वाले हैं? जहां से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ा देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं लड़ना है तो नहीं भी लड़ेंगे, अगर वो लड़ाएंगे तो लड़ जाएंगे। अभी उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ाया, हम दहाड़ मार के लड़े कि नहीं लड़े बनारस जी, हार भी गए। अरे तो एक ही ना जीतेगा प्रभु, नेतागिरी में हार जीत का मतलब आप लोगों के लिए होता होगा, हमारे लिए नहीं होता। हम तो लड़बे करेंगे, जो पहलवान अखाड़े में लड़ता है तो एक ही ना जीतेगा, एक को तो हारना ही है। तो हार का मतलब हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी तरह हारते जाए, जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, उसमें जनता जनार्दन लोगों को पता नहीं क्या, कोई किसी को मजा आ जाता है हारने में, किसी को खुशी हो जाती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जी कहते लोग कि ये भी कि मतलब ज्यादा बोलते हैं इसीलिए शायद हार गए आप, ये जो है बनारस में आप जो मुर्गा मच्छी ये सब सारा चीजें नॉन वेज बंद करवा रहे थे, यार क्या गलत कर रहे हैं? बनारस में एक दिन आके घूमिए आप हमारे साथ, और कोई इसका विरोध नहीं करेगा। हम अगर काशी जैसे पवित्र नगरी में जहाँ विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ जी हैं, अगर वहाँ हम मांस और शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने का आंदोलन चलाने वाले हैं तो इसका विरोध कोई नहीं करेगा पत्रकार बंधु। हाँ अच्छा एक बात और है कि अच्छा कोई कथा, आप पंडित जी हैं, तिवारी जी हैं ना, तो कभी जो है जब कथा वगैरह होता है तो उसमें सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो उसमें कहते हैं पंडित जी लोग की जोड़ा बैठाया जाता है। हाँ है ना, जोड़ा बैठाया जाता है मतलब पति पत्नी को। हाँ हाँ
है ना जी। तो ये आरोप लग रहा है, लोग लगा रहे हैं, कुछ नेता है जो विपक्ष के आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी फिर कैसे उतना बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा में अकेले चले जाएंगे। देखा फिर वह बात, इतना छोटे स्तर की बात, हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को कोई ये कहता है कि वो पत्नी को छोड़ दिए या मंदिर में पूजा नहीं, हम बता रहे हैं आपको वो संत आदमी हैं और देश और धर्म के लिए, देश और धर्म के सृजन के लिए अगर उन्होंने घर परिवार सबको छोड़ा तो उन्होंने परिणाम दिया। आज भारत की तूती बोल रही है, घर परिणाम छोड़ के, घर और परिवार छोड़ के वो कहीं जाके चिरकुटाई नहीं किए, उन्होंने परिणाम दिया। ये लोग क्या बतियाएंगे, विपक्षियों की बातों में मत रहा करो पत्रकार, कुछ अपना दिमाग लगाओ। हाँ, अपना दिमाग क्या लगाएं बता दीजिए। आप समझो कि कोई घर परिवार छोड़ के अगर जोगी की तरह झोला लेके निकला तो वो देश को कहां ले जाके खड़ा कर दिया। आज भारत की पहचान संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मजबूत देशों में हो गई, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की देन है। मतलब शादी करके छोड़ देना उचित है, आपको क्या लगता है? फिर वही बात, हम ये कह रहे हैं कि अगर जो करने के लिए आप देखिए उसका दूसरे सेंस से ना लीजिए, शादी करके छोड़ देना, 500 ठुकरा अपन मेहरारू छोड़ के कोर्ट में दौरत हुआ, उस तरह से नहीं लीजिए। उस माता जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अनुमति दिया कि नहीं देश और धर्म के लिए कुर्बानी कर दो। वो माँ धन्य है जिसने मोदी जी को पैदा किया, और धन्य है वो परिवार साधारण सा जो आज तक कभी ये गुमान नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री जी का परिवार हूँ। अरे कोई क्या कहेगा, इन छोटी देखिए अच्छे कामों का विरोध ही अच्छे का, देखिए हम बताएं, प्रभु श्री राम का विरोधी रावण था, उसका क्या हाल हुआ? प्रभु श्री राम का विरोधी रावण था, उसका क्या हाल हुआ? और आज जो प्रभु श्री राम के विरोधी मोदी योगी के विरोधियों का क्या हाल होगा, मैं आप खुल के नहीं कहूंगा, उतने से ही अंदाज लगा लीजिए जी। मतलब कि मोदी जी को आप श्री राम के श्रेणी में रखते हैं? बिल्कुल हैं, श्री राम है, हनुमान है, कार्य बोलता है, ग्लोबलाइजेशन बोलता है, हजारों वर्ष का मामला इन लोगों ने हाथ लगा के शुरू किया और अपने हाथों से संपन्न कराया। धन्य हो हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू समाज, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग जेल में ठूस दिए गए, फिर भी हमारे हिंदू धन्य हैं। कभी एक पत्थर किसी मस्जिद पे या किसी पुलिस के जीप पे या किसी सरकारी ट्रेन पे नहीं चलाए। धन्य है हमारा हिंदू और हमारा मजहब और हमारा समाज, मैं गर्व करता हूँ। और मैं प्रभु से कहता हूँ कि अगर बार बार मुझे अगर मानव जन्म देना प्रभु, तो हिंदू धर्म में देना जी। इतना सुशील और सम्य और इनोसेंट धर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है जी। तो अभी जो है वहाँ पे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, आपकी पार्टी के लोग जाएंगे, आप जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे, आजीवन अब रामलला जाएंगे। हजारों वर्ष का इच्छा पूरा हुआ, हमारे कितने पूर्वज कुर्बानी दे दिए और हमें सौभाग्य मिला वहाँ जाने का, तो हम वहाँ जाएंगे, निसंकोच जाएंगे। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कहीं कहीं संत समाज के लोग हैं जो शंख बजा के कह रहे हैं कि अभी अधूरा है राम मंदिर और उसका जो है उद्घाटन नहीं होना चाहिए, वो लोग बड़ा भड़के हुए हैं, का ये क्या बात है? हम आपको एक चीज बता दिए ना कि इन चंद विरोधियों की बात में ना जाएं, ये तो हरदम कुछ ना कुछ, देखिए सबसे सुंदर चांद है और देखने वाले को उसमें भी दाग नजर आता है। नहीं, तो वो भी संत समाज से, वो संत, हम बता रहे हैं ना कि संत समाज, संत वो होता है जब इच्छा का अंत होला तब केहू संत होला, संत की परिभाषा समझिए, जब इच्छा का अंत होला तब केहू संत होला। और अगर कोई संत समाज कह रहा है कि अधूरा है, तो मंदिर एक सतत प्रक्रिया है, हम भी एक मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, दिखाइए कैमरामैन जी, ये सतत प्रक्रिया है। और देखिए अभी बरसात हुआ है, अभी रंग रोगन हुआ है, एक साल बाद फिर कराना पड़ेगा, तो इसको अगर हम अधूरा कहें तो ये सिर्फ वाहियात बात है, ये सतत प्रक्रिया है, ये हरदम होती रहती है जी। देखा गया है ना वहाँ पे अभी जो चारों तरफ क्रेन लगी हुई है, अरे फोटो आ रहे हैं, होता रहेगा, काम क्यों रोकेंगे भाई, काम तो होता रहेगा ना, मत सतत पर आजीवन काम होता रहेगा। तो राजनीतिकरण हो रहा है जो राम मंदिर, राजनीतिकरण क्यों हो रहा है, 10 साल से सरकार चल रही, राजनीतिकरण करना होता तो पहले ही साल के सरकार के शपथ के बाद पहले ही साल बन गया होता, उसके बाद भी 2-3 चुनाव हुआ ना, 2014 का चुनाव हुआ, 17 का हुआ, 19 का हुआ, 22 का हुआ, 5-6 चुनाव हुए ना अभी ना, वो वहाँ पे उद्घाटन, तो यही कह रहे हैं लोग ना कि आखिरकार ये भी चुनाव जीत लेते फिर इसके बाद उद्घाटन कर देते, बढ़िया से बन जाता वो
उन लोगों को जो कहना है कहें, चुनाव से इस मंदिर का कोई उद्देश्य नहीं, प्रभु श्री राम का बेला आ गया है, हजारों वर्ष का इंतजार खत्म हुआ है, तो जब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि उद्घाटन हो जाए या प्रभु श्री राम विराजमान हो जाए तो वो हो रहा है, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो हम 400 प्लस जीत ही रहे हैं, चुनाव कौन हराएगा? आपको एक चीज बता दें, चुनाव हम नहीं हारने वाले, इस गलत फहमी में न रहिए। 400 प्लस जीत रहे हैं, एकदम 100% लिखवा लीजिए, 399 नहीं होगा पत्रकार बंधु। हाँ, और अब तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आ गई, 80 से शुरू करिए। लोगों का, लोगों की लड़ाई शून्य से है और एनडीए गठबंधन की शुरुआत 81 से है। 80 तो हम यही जीतवा रहे हैं यूपी में जी, 80 आप जीतवा रहे हैं, 400 प्लस जीतवा रहे हैं, तो आखिरकार विपक्ष में का कोई रहेगा ही नहीं क्या इस बार? विपक्ष में अभी भी कौन है? कई सीट है समाजवादी पार्टी की, कई सीट है बहुजन समाज पार्टी की, कई सीट है यहाँ किसी की, यहाँ आज भी 65-70 सीट है कि नहीं है हम लोगों की, और इस बार 80 हो जाएगी, क्या गलत बोल रहे हैं?